सीएम, मैं हल खोजने के लिए विकल्पों के बारे में सोचने को तैयार हूँ। सहकार्य और सहयोग को खोजना, मैं संघर्षों के समाधान के लिए सहकार्य और सहयोग दूंगा या दूंगी। ये बहुत समय लेता है, हर किसी का कुछ कहना होता है, लेकिन ये हर समय काम करे ऐसा नहीं। परिस्थिति, उमेश अपने प्रशिक्षण से अभी लौटा था, उसे सुपरवाइजर बनाया गया था और इसीलिए प्रशिक्षण के लिए उसका चुनाव किया गया था। उन्होंने उसे संघर्ष व्यवस्थापन के महत्व के बारे में सिखाया था। उसने संघर्ष व्यवस्थापन के महत्व को महसूस किया था। उसने अपना खुद का एक अधिकारी और एक प्रशिक्षार्थी के रूप में बर्ताव याद किया। वो उदाहरणों को सुनकर मुस्कुराता, क्योंकि उसने स्वयं इनको अनुभव किया था। उसने सहकारी और सहयोग को संघर्ष व्यवस्थापन का सबसे लोकतांत्रिक रूप पाया। एक अधिकारी होते हुए उसने हमेशा ये महसूस किया था कि उसके टीम के नेता ने उन पर विश्वास करते हुए उनसे ज्यादा बात करनी चाहिए थी, लेकिन टीम का नेता केवल सूचनाएं देता था और अपेक्षा करता था कि उनका पालन होगा। उसने तभी तय किया था कि वो अधिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी टीम के साथ काम करेगा। जब उसने पहली बार अपनी टीम से बात की तो उसने उन्हें समझाया कि वो समझता था कि एक अधिकारी होना कैसे होता है और इसीलिए वो जनतंत्रवादी होना पसंद करेगा और वो सबसे किसी भी और सभी चीजों के बारे में सुनना पसंद करेगा। उसके दरवाजे, उसने कहा, हमेशा खुले रहेंगे। टीम उत्साहित हो उठी। उनकी टीम को एक काउंटर संभालने का काम दिया गया जहां टीम के सदस्यों के काम के घंटे परस्पर व्याप्त थे ताकि कोई ना कोई हमेशा काउंटर पर रहेगा। ये ठीक था और फिर उमेश ने सबको काम के घंटे बता दिए। उसने वही सब बोर्ड पर भी डाल दिया। जैसे ही उसने बोर्ड पर डाल दिया, श्वेता उसके पास आ गई और उसने कहा कि वो जल्दी का समय पसंद करेगी क्योंकि उसे घर जाते जाते अपने बच्चे को ले जाना होता था। उमेश को खुशी हुई कि उसके लिए ये बदलाव करते हुए। जैसे ही वो गई तो आकाश आ गया और कहने लगा कि वो कंपनी से बहुत दूर रहता है, इसीलिए वो ऐसा समय चाहता था जो उसे दिन के दूसरे प्रहर की ड्यूटी करने दे, मतलब थोड़े देर से। उमेश ने सोचा कि औरों के लिए नाइंसाफी होगी, लेकिन बदलाव कर दिया। उसे थोड़ा बेचैन सा महसूस होने लगा और फिर अन्य दो ने बदलाव की मांग की। उमेश ने हाँ कर दी, लेकिन जब वो आसपास घूम रहा था तो उसने देखा कि कुछ चेहरे नाखुश थे। वे जिन्हें अब तकलीफ दे काम के घंटे मिले थे, वो उसे दोषारोपण करते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों को महत्व देने वाला और उनके बारे में ना सोचने वाला। इसका परिणाम काम के प्रदर्शन पर भी हुआ। जो खुश थे वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन जो नाखुश थे वे बिल्कुल ही अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उनके मन में असंतोष था और ये उनके हाव भाव में साफ नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने खुली आवाज में ये नहीं कहा। और फिर बारी थी साप्ताहिक छुट्टी तय करने की। इस बार उमेश ने होशियारी दिखाई। उसने ये महसूस किया था कि काम के घंटे निश्चित करने के काम में काफी समय और ऊर्जा लगी थी और उसने अनावश्यक रूप से टीम में खुश और नाखुश समूह बना दिए थे। उसने साप्ताहिक छुट्टी तय कर दी और उसके नीचे एक टिप्पणी लिख दी, इस सूची में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी निवेदन का मान नहीं रखा जाएगा, कोई उसके पास बदलाव की विनती लेकर नहीं आया। उमेश मुस्कुराया। उसने अपना सबक सीख लिया था कि हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके नहीं लागू किए जा सकते, उन्हें सावधानी से उपयोग में लाया जाना चाहिए। अधिकारियों ने भी उस टिप्पणी से अपना सबक सीख लिया था। बुद्धिमान आदान प्रदान के स्तर पर सोच की काफी स्वतंत्रता देखी जाती है, लेकिन ये सुविधा छोटी छोटी चीजों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। मुख्य बातें, आसान शब्दों में कहे तो सहकार्य और सहयोग द्वारा संघर्ष व्यवस्थापन का समाधान, इसका मतलब है सबके लिए फायदेमंद समाधान खोजने का प्रयास। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इस प्रकार के सहयोग की कामना करने वाले नेता को बहुत ही निश्चय और बहुत ही प्रभावी होना आवश्यक है। लेकिन जो कि ये बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है और बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऐसे सहयोग की आवश्यकता रहे मुद्दे भी उतने भी मौल्यवान या महत्वपूर्ण होने चाहिए। संघर्ष व्यवस्थापन की ये पद्धति का प्रयोग सच तो ऐसी छोटी चीजें तय करने के लिए नहीं करना चाहिए, जैसे क्या मीटिंग में कॉफी के साथ बिस्कुट भी दिए जाए। ये लोकतंत्र कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेना होगा। कुछ निर्णय तुरंत लेना आवश्यक होता है और केवल टीम के नेता के द्वारा ही। जब जरूरत ना हो तो उसका प्रयोग करना उस कहावत जैसा है, बहुत जोगी मत उजाड़, कई रसोई शोरबा खराब करते हैं। ये संभावना होती है कि जिन मध्यस्थों का सहकार्य और सहयोग पाने के लिए प्रयोग किया जाता है वे मुद्दे से दूर ले जाए या जिम्मेदारियों को धुंधला बना दे। इसलिए संघर्ष व्यवस्थापन की इस पद्धति का प्रयोग ज्यादातर उच्च स्तर पर होना चाहिए जहां लोकतांत्रिक फैसले का पालन अच्छे से लिया जाएगा और वो मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जिस पर सहयोग पाने के लिए समय बिताना उचित होगा।